हाय गाइस, सो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मस्ट नॉट एंड डोंट हैव टू। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं मस्ट और मस्ट नॉट के बीच में डिफरेंस की। सो मस्ट हमारा ऐसा मोडाल है जिसका मीनिंग बार बार चेंज होता है, राइट? तो अगर मैं मस्ट और मस्ट नॉट की बात करता हूँ तो मस्ट इज़ बेसिकली अ फोर्सफुल सजेशन, मतलब आपको कोई काम ज़रूर करना पड़ेगा या ज़रूर करना चाहिए। सो अगर बोलता हूँ यू मस्ट स्टडी, तो जैसे ही मैं यू मस्ट स्टडी बोलता हूँ इसका मतलब हो गया कि तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जब हम शुड और मस्ट की बात करेंगे मोडाल्स में, शुड होता है नॉर्मल सजेशन, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मस्ट होता है थोड़ा सा आपने उसमें प्रेशर डाल दिया, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब जब मैं मस्ट की जगह मस्ट नॉट पे लेके आता हूँ, मस्ट नॉट स्टडी, सो मस्ट नॉट आइडियली तो मस्ट का नेगेटिव होना चाहिए या मस्ट का ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन मस्ट नॉट इज कंसिडर्ड मोर ऑफ अ रूल। मतलब आपने ये रूल बना दिया कि ऐसा तो करना ही नहीं है, ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मस्ट नॉट को हम बोलते हैं इट इज़ मोर ऑफ अ रूल कि आप कोई चीज़ कर ही नहीं सकते हो। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट के अगर आप रूल्स देखेंगे तो कि प्लेयर देयर शुड नॉट बी मोर देन टू प्लेयर्स, तो यहाँ पे शुड नॉट भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देयर मस्टन्ट बी। वाई? बिकॉज ये रूल है, अगर दो की जगह तीन प्लेयर्स एक इनर सर्कल से बाहर हुए तो नो बॉल हो जाती है, राइट? जैसे आप लोग से फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल कर रहे हो अकेले, तो आपकी मम्मियाँ नॉर्मली मम्मियाँ बोलती हैं कि बेटा कोई कुछ दे तो खाना मत, राइट? तो कोई कुछ दे तो खाना मत इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू मस्ट नॉट ईट, ठीक है? तो यहाँ पे मस्ट नॉट क्या हो गया, अब ये एक अनसेड रूल है जो हमारी मम्मियों ने बना दिया है कि भाई कोई कुछ दे तो खाना मत। तो मस्ट हम मानते हैं थोड़ा सा फोर्सफुल सजेशन, ज़रूर करना चाहिए, और मस्ट नॉट करना ही नहीं है, करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डांट पड़ेगी, ऑल दैट थिंग। सो मस्ट नॉट इज़ मोर ऑफ अ रूल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब मोडाल्स में आता है तो एक क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है, क्योंकि हमारे पास एक सेंटेंस होता है यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो यू मस्ट स्टडी, ज़रूर पढ़ना चाहिए, और यू हैव टू स्टडी, पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों में केवल डिग्री का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको नेगेटिव बनाता हूँ, यू डोंट हैव टू स्टडी, हैव टू का पास्ट नहीं है, तो यू डोंट हैव टू स्टडी और यू मस्ट नॉट स्टडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, हमारे को डोंट हैव टू और मस्ट नॉट में से पिक करना होता है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन की बात करूं, तो मस्ट नॉट मतलब रूल, ऐसा तो करना ही नहीं है, और डोंट हैव टू का मतलब है तुम्हारी मर्जी है, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। जैसे मैं बोलता हूँ अब से हमें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जहाँ पे भी हम लोग दान पात्र होता है, जहाँ पे भी हम लोग पैसे देते हैं, पैसे देने की ज़रूरत तो नहीं है ना, कंपल्शन तो नहीं है ना, पंडित या लोग हमारे से ज़बरदस्ती तो पैसे उसमें डलाते नहीं है, तो हमारा रूल क्या होगा, यू डोंट हैव टू पे, ठीक है? अगर मर्जी है तो दो, नहीं मर्जी है तो मत दो, तो आप पे ऑप्शन है, दैट इज़ डोंट हैव टू। और मस्ट नॉट में देना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। सो डोंट हैव टू इज़ मर्जी है, देना है करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन मस्ट नॉट में आप वो काम कर ही नहीं सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक चैप्टर लिख लेते हैं, यू मस्ट नॉट स्टडी दिस चैप्टर एंड यू डोंट हैव टू स्टडी दिस चैप्टर। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट डू दिस क्वेश्चन, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कहता हूँ यू डोंट हैव टू डू दिस क्वेश्चन या चैप्टर, तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में? तो डिफरेंस बीइंग, अगर मैं मस्ट नॉट बोलता हूँ तो वो चैप्टर एग्जाम में नहीं आना, राइट? तो तुम्हें ये चैप्टर नहीं करना है अभी, ये चैप्टर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और डोंट हैव टू बोलता हूँ तो यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, छोड़ के जाना चाहते हो तो छोड़ के जा सकते हो। तो जो चीज़ें सिलेबस में है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम बोलेंगे यू डोंट हैव टू, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और जो चीज़ सिलेबस में नहीं है, जो चीज़ आएगी नहीं, उसको मैं बोलूँगा मस्ट नॉट। सो ये होता है हमारा डिफरेंस मस्ट नॉट और
डोंट हैव टू में मस्ट नॉट होता है रूल जो आप नहीं तोड़ सकते हैं, और डोंट हैव टू होता है आपकी मर्जी पे है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बिना करे भी काम चल सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जब हम मोडल्स करेंगे तो इनके कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा सा बेटर क्लियर हो जाएगा, राइट? थैंक यू गाइस।